नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y33s versus Vivo Y21 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo Y33s में 6.46 इंच जबकि Vivo Y21 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 182 ग्राम वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही टिप्स LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo Y33s में 6.58 इंचेस जबकि Vivo Y21 में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Vivo Y33s में 1080x2408 और Vivo Y21 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo Y33s में 83.76% जबकि Vivo Y21 में 82.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Vivo Y33s में 401 पिक्सल प्रति इंच जबकि Vivo Y21 में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo Y33s में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y21 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Vivo Y33s में Mali G52 जबकि Vivo Y21 में Power GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo Y33s में MediaTek Helio G80 और Vivo Y21 में MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें RAM की तो Vivo Y33s में 8GB की RAM मिलती है जबकि Vivo Y21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Vivo Y33s में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Vivo Y21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Vivo Y33s में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Vivo Y21 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,990 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,490 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y33s में 5 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y21 की तो उसमें 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में वीवो Y33S आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है, दूसरा Oppo A53 2020 है, तीसरा Vivo Y72 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A16 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।